आज तारीख हो चुकी है 15 जनवरी। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वही है कोलकाता की तरफ से। दरअसल केकेआर की टीम ने कल अपने बॉलिंग कोच में अब बदलाव करके यहाँ पर भरत अरुण को अब इस टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त कर दिया। जहां पर इससे पहले भरत अरुण यहाँ पर बीसीसीआई के लिए टीम इंडिया के यहाँ पर बॉलिंग कोच थे। लगभग 4 से 5 सालों तक ये टीम इंडिया के बॉलिंग कोच थे। अब टीम इंडिया के बॉलिंग कोच से यहाँ पर हट जाने के बाद अभी ये केकेआर के नए बॉलिंग कोच बन चुके थे। आईपीएल 2022 के एडिशन में अब भरत अरुण यहाँ पर केकेआर के बॉलिंग कोच के रूप में हमें दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस फ्रेंचाइजी का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल 2022 की वेन्यू को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब आईपीएल 2022 की यहाँ पर होस्टिंग और वेन्यू के लिए यहाँ पर दुबई को अब कंप्लीटली बार कर दिया। जहाँ पर पिछले साल जो आईपीएल का पार्ट 2 यहाँ पर दुबई में हुआ था, उसमें काफी अधिक यहाँ पर अनइवन पिचेस मिले थे, काफी अधिक लो स्कोरिंग मुकाबले हुए थे। इसी वजह से अब बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के एडिशन को दुबई में कराने से साफ तौर पर मना कर दिया। या तो भारत में हमें यहाँ पर आईपीएल देखने को मिलेगा, और अगर कोविड के केसेस आने के बाद भारत में अगर आईपीएल पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो या तो साउथ अफ्रीका में या फिर श्रीलंका में आईपीएल को ले जाया जाएगा। इवन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने तो कल बीसीसीआई को लेटर लिखकर यहाँ पर श्रीलंका में आईपीएल कराने के फैसले को या फिर इस यहाँ पर प्रपोजल को अब यहाँ पर स्वीकार किया। इवन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को धन्यवाद भी किया, अगर श्रीलंका में आईपीएल जाता है तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर रेवेन्यू में काफी अधिक फायदा होगा, काफी अधिक मुनाफा होगा। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड तो यहाँ पर आईपीएल को होस्ट करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कहाँ पर आईपीएल होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग श्रीलंका में या फिर साउथ अफ्रीका में आईपीएल होना चाहिए। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है मेगा ऑक्शन की रजिस्ट्रेशन को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने ये बताया था कि मेगा ऑक्शन के लिए प्लेयर्स अपने आप को यहाँ पर 14 जनवरी तक केवल रजिस्टर्ड कर पाएंगे, यानी केवल कल के दिन तक रजिस्टर्ड कर पाएंगे। लेकिन कल बीसीसीआई ने अब इस डेट को एक्सटेंड करके यहाँ पर 21 जनवरी तक अब इस डेट को सेट कर दिया, यानी 21 जनवरी तक अब प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे, अपना नाम मेगा ऑक्शन में सबमिट कर पाएंगे। तो अब 7 और दिन तक यहाँ पर प्लेयर्स के पास विकल्प है कि वो मेगा ऑक्शन में अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाए, अपना नाम सबमिट कर पाए। जहाँ पर अब तक बेन स्टॉक्स ने इसके साथ ही जोफ्रा आर्चर ने और यहाँ पर पैट कमिंस ने भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया, तो 7 दिनों में अब इन प्लेयर्स के पास मौका ही अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अब यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, इनमें से कौन सा प्लेयर मेगा ऑक्शन में आखिर सबसे एक्सपेंसिव बिकेगा। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि आप आईपीएल से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर मिस ना कर पाए। अब अगर हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है मेगा ऑक्शन से बाहर होने वाले प्लेयर्स को लेकर। दरअसल अब 2 और प्लेयर्स ने अपने आप को मेगा ऑक्शन से बाहर करने का फैसला लिया। जहां पर मार्क वुड ने और क्रिस वॉक्स ने यहां पर परसों के दिन अपने आप को मेगा ऑक्शन में रजिस्टर्ड किया था। इवन मार्क वुड के पीछे तो काफी सारी टीमें थी, और क्रिस वॉक्स को भी मेगा ऑक्शन से पहले अब काफी सारी टीमें टारगेट कर रही थी। लेकिन अब मेगा ऑक्शन के लिए कल यहां पर इन दोनों प्लेयर्स ने बीसीसीआई को लेटर लिखकर अपना नाम बाहर करने की मांग करी है। जहां पर बायोवॉल फटीक के चलते हुए शायद ये दोनों प्लेयर्स आईपीएल का भाग ना बने। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों प्लेयर्स ने बीसीसीआई को लेटर लिखकर अपना नाम वापस बाहर निकालने की बीसीसीआई से गुजारिश करी है, बीसीसीआई से मांग करी है। और अब लगभग आजकल में पता चल जाएगा कि ये दोनों प्लेयर मेगा ऑक्शन का आखिर भाग रहेंगे या फिर नहीं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर बीसीसीआई को इन दोनों प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन से बाहर करना चाहिए या फिर नहीं। अब अगर हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई की तरफ से। दरअसल चेन्नई की तरफ से यहां पर आईपीएल 2022 के एडिशन को लेकर कल काफी बड़ा अपडेट निकल कर आया। इस अपडेट के अकॉर्डिंग यहां पर एम
एमएस धोनी आईपीएल के मिडल में अब कप्तानी छोड़कर रविंद्र जाडेजा को अब यहाँ पर कप्तान नियुक्त करेंगे, यानी आईपीएल के मिडवे में एमएस धोनी रविंद्र जाडेजा को कप्तान नियुक्त करेंगे ताकि रविंद्र जाडेजा को यहाँ पर फ्यूचर कैप्टन के रूप में ये टीम चेक कर सके और एमएस धोनी के साथ यहाँ पर वो यहाँ पर खेल कर यहाँ पर अपनी कप्तानी को इम्प्रूव कर सके। तो रविंद्र जाडेजा को अब आईपीएल के मिडल में चेन्नई कप्तानी मिल जाएगी। आईपीएल के मिडवे में एमएस धोनी खुद कप्तानी छोड़कर रविंद्र जाडेजा को यहाँ पर कप्तान बनाएंगे। हालांकि एमएस धोनी भी यहाँ पर टीम की स्ट्रेटेजी में और टीम मीटिंग्स में यहाँ पर अहम रोल निभाएंगे, लेकिन सीएसके के फ्यूचर को देखते हुए अब मिडवे में जाडेजा हमें कप्तानी करते हुए दिखेंगे। खुद सीएसके की मैनेजमेंट ने इस बात की यहाँ पर पुष्टि करी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का ये सही फैसला है या फिर नहीं, और एमएस धोनी की यहाँ पर मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है, तो आप प्रेडिक्शन अपने नीचे कमेंट जरूर करें। अब अगर हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। दरअसल एमआई की तरफ से भी खबर है कि एमआई की टीम रोहित शर्मा के बाद अब सूर्य कुमार यादव को नए कप्तान के रूप में यहाँ पर ग्रूम करेगी। तो कुछ मुकाबलों में अब रोहित शर्मा भी सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दे सकते हैं, जहां पर रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली 3 और 4 साल शायद मुंबई की तरफ से हमें कप्तानी करते हुए दिखे। तो इसके बाद यहाँ पर एमआई की मैनेजमेंट ने सूर्य कुमार यादव को शायद फ्यूचर कैप्टन के रूप में कंसिडर किया, इसी वजह से अब एमआई की टीम भी यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को टेस्ट करेगी। हो सकता है कि आईपीएल 2022 के एडिशन में रोहित शर्मा एक या फिर दो मैचों में अब सूर्य कुमार यादव को कप्तानी देकर इनको भी टेस्ट कर ले। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग मुंबई का और चेन्नई का यहाँ पर ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है डेविड वॉर्नर, स्टीवन स्मिथ, इसके साथ ही मिचेल स्टार्क, युजवेंद्र चहल और फैब डुप्लेसी की तरफ से। दरअसल इन पांचवे प्लेयर्स ने यहाँ पर प्लेयर ड्राफ्ट का भाग बनने से मना कर दिया था। इन पांचवे प्लेयर्स ने अहमदाबाद और लखनऊ की टीम को यहाँ पर अपने को खरीदने से यहाँ पर साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके पीछे यहाँ पर रीजन कुछ टीमों को बताए गए, जहाँ पर वॉर्नर से केकेआर और आरसीबी की टीम ने कॉन्टैक्ट किया, वही स्टीवन स्मिथ के साथ केकेआर की टीम ने कॉन्टैक्ट कर रखा था, इसके साथ ही मिचेल स्टार्क के साथ मुंबई की टीम ने कॉन्टैक्ट कर रखा था, चहल के साथ चेन्नई की टीम ने कॉन्टैक्ट कर रखा था, वही फैब डुप्लेसी के साथ यहाँ पर आरसीबी ने, इसके साथ ही पंजाब की टीमों ने कॉन्टैक्ट कर रखा था। तो मेगा ऑक्शन में यहाँ पर इन प्लेयर्स को काफी अधिक रकम मिलने वाली थी, इसी वजह से इन प्लेयर्स ने अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों को प्लेयर ड्राफ्ट में आने से मना कर दिया था, प्लेयर ड्राफ्ट का भाग बनने से मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर अब मेगा ऑक्शन से पहले इन पांचों प्लेयर्स की हमें यहां पर नई टीमें ऑलमोस्ट पता चल चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इन पांचों प्लेयर्स को आखिर कौन कौन सी टीमें परचेस करेगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है प्लेयर ड्राफ्ट के नए नियमों को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने यह तो बताया कि 22 जनवरी के दिन यहाँ पर प्लेयर ड्राफ्ट के लिए यहाँ पर अहमदाबाद और लखनऊ की टीमों को अपने प्लेयर्स के नाम अनाउंस करने होंगे, यानी 22 जनवरी को जो प्लेयर ड्राफ्ट होगा उस प्लेयर ड्राफ्ट में अपने तीन प्लेयर्स के नाम अनाउंस करने होंगे, जहाँ पर पहले प्लेयर को ये टीमें 15 करोड़ में परचेस कर पाएगी, दूसरे प्लेयर को 11 करोड़ में ये टीमें परचेस कर पाएगी, तीसरे प्लेयर को 7 करोड़ में ये टीम परचेस कर पाएगी, और अगर किसी अनकैप्ड प्लेयर को ये टीमें परचेस करती है तो महज 4 करोड़ में उस अनकैप्ड प्लेयर को ये टीमें परचेस कर पाएगी, और अगर कोई टीम यहाँ पर केवल 2 ही प्लेयर को परचेस करती है तो पहले प्लेयर को 14 करोड़ में और दूसरे प्लेयर को 10 करोड़ में परचेस करेगी, यानी उस टीम के पास तकरीबन 76 करोड़ का पर्स बैलेंस मेगा ऑक्शन के लिए यहाँ पर बचेगा। तो इस तरीके से अब ये नए नियम निर्धारित कर दिए गए। अब यहाँ पर 22 तारीख को हमें इन दोनों टीमों के यहाँ पर 3 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर स्पेशल पिक और प्लेयर ड्राफ्ट को लेकर आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।